नमस्कार दोस्तों, बेबी पेंगुइन उर्फ आदित्य ठाकरे का नाम अब राज कुंद्रा केस में पूरी तरह से जुड़ गया है, क्योंकि सिर्फ यूट्यूबर्स नहीं, अभी तो मराठी चैनल्स में भी ये दिखा रहे हैं कि आदित्य ठाकरे और राज कुंद्रा की जो गहराइयां है उसके बारे में बात छिड़ रही है। और यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आदित्य ठाकरे भी राज कुंद्रा की ये जो बिजनेस है इसमें इन्वॉल्व्ड है या नहीं। इसका रीज़न ये है कि कुछ ही साल पहले की ये ट्वीट वायरल हुई है, जहां पे राज कुंद्रा ने ये यहां पे बकायदा उन्होंने आदित्य ठाकरे और डिनो मोरिया इन दोनों के साथ इनकी ये कॉन्वर्सेशन है। यहां पे आप देख सकते हो कि किस तरह से इन तीनों ने एक साथ डिनर किया, और उसके बाद आदित्य ठाकरे भी इस ट्वीट का जवाब में राज कुंद्रा को यही लिख रहे हैं कि ये लोग बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। और बहुत सारे फोटोज़ भी वायरल हुई है जहाँ पे आप देख सकते हो कि आदित्य ठाकरे और राज कुंद्रा एक साथ है। डिनो मोरिया भी आदित्य ठाकरे के काफ़ी क्लोज मित्र है, और डिनो मोरिया ने अब उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो डिलीट कर दिया। उसके बाद ये खबर आई है कि डिनो मोरिया ने अभी अपना जो टेलीग्राम अकाउंट भी है वो भी डिलीट कर दिया। तो मेरा भी सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि डिनो मोरिया उनके जो अकाउंट्स है वो डिलीट कर रहे हैं। क्या टेलीग्राम से लड़कियों के साथ कॉन्टैक्ट किया जाता था? क्या डिनो मोरिया भी ये जो पूरी घटना है इसके लिए राज कुंद्रा की जेल हुई है? क्या डिनो मोरिया भी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं? इसके बारे में अभी सवाल पूछे जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे के ऊपर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी में क्यों देर हुई। राज कुंद्रा की ये जो बात है ये मुंबई क्राइम ब्रांच के कानों में 4-5 महीने पहले से ही थी, लेकिन इतने दिन तक राज कुंद्रा को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या आदित्य ठाकरे और शिवसेना की जो पार्टी है वो राज कुंद्रा को इतने दिनों तक बचा रही थी? यही सवाल सारे लोग पूछ रहे हैं, और आदित्य ठाकरे की तरफ से या शिवसेना की तरफ से कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया है। आदित्य ठाकरे और डिनो मोरिया के ऊपर कार्रवाई हो इसी की मांग की जा रही है, और इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी है, क्योंकि अभी शरद पवार बहुत ज़्यादा उनका एक्शन दिखा रहे हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी और शिवसेना के बीच काफ़ी सारा तनाव है, जिसके कारण शरद पवार ने अभी ये एक्शन लिया है कि राज कुंद्रा के केस में राज कुंद्रा के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो एनसीपी और शिवसेना के बीच जो नोकझोंक चल रही है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा राज कुंद्रा को, और ऐसा हो सकता है कि आदित्य ठाकरे को भी भुगतना पड़े, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली तो कुछ भी प्रूफ नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर मुंबई क्राइम ब्रांच को आदित्य ठाकरे के बारे में कोई भी सबूत मिल जाता है तब आदित्य ठाकरे भी फंस जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि आदित्य ठाकरे के पिता उद्धव ठाकरे ने यही बोला है कि इस केस में कार्रवाई हो और पुलिस को पूरी सहायता करेंगे, ऐसा ही बोला है सीएम उद्धव ठाकरे ने। अब देखते हैं कि क्या होता है, अभी क्या निकल के आती है। ये जो केस है ये दिन ब दिन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। टेक केयर। जय हिंद।